मलयालम फिल्म अंजाम फतीरा का रीमेक बनाएगा बॉलीवुड। रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ शिबासी सरकार ने कहा, अंजाम फतीरा उन स्लिक थ्रिलर में से एक है जो आपको सीट से चिपकाए रखती है। हम देश और दुनिया भर के दर्शकों के लिए इस फिल्म का रीमेक बनाने को लेकर खुश हैं। आशिक उस्मान प्रोडक्शंस के मैनेजिंग पार्टनर आशिक उस्मान ने कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि यह इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। सामाजिक जागरूकता का संदेश दे रही मनीष पॉल की लघु फिल्म हिचकी। टीवी होस्ट और अभिनेता मनीष पॉल हिचकी नामक एक लघु फिल्म में दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है। मनीष कहते हैं कि उनकी लघु फिल्म हिचकी में उन्हें लगातार हिचकियां आती हैं और कहा जाता है जो आपको याद कर रहा है उसका नाम लेने से हिचकी बंद हो जाती है। उन्होंने अपने रोल के बारे में कुछ जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि यह फिल्म एक ऐसे किरदार के बारे में है जो एक दिन किराने का सामान खरीदने जाता है और अचानक एक नाम उसके दिमाग में आता और उसकी हिचकी रुक जाती है। बिग बॉस में राधे माँ की आने की चर्चा टीवी के सबसे पुराने और पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक बिग बॉस 14 दस्तक देने के लिए तैयार है। बीते कई दिनों से शो में नजर आने वाले सितारों के बारे में चर्चा हो रही है। खबरों की माने तो इस सीजन में राधे माँ भी नजर आ सकती हैं। राधे माँ एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जानी जाती हैं। राधे माँ खुद को माँ दुर्गा का स्वरूप बताती हैं। वह अक्सर देवी माँ के कीर्तन और जगराते में भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। राधे माँ का विवादों से भी गहरा नाता है। खबर है कि राधे माँ बिग बॉस 14 के घर में दस्तक देने आ रही हैं। जल्दी आने वाला है साथ निभाना साथिया का दूसरा पार्ट। साथ निभाना साथिया की कोकिला बहन और गोपी बहू के रसोड़े में कौन था वीडियो वायरल होने के बाद अब शो के मेकर साथ निभाना साथिया 2 को लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सीरियल के प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि साथ निभाना साथिया 2 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि एक बार फिर से देवलीना भट्टाचार्य जी गोपी बहू का किरदार निभाते नजर आएंगी। शिल्पा शिंदे ने लगाया सुनील ग्रोवर पर आरोप। बिग बॉस 11 में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने अपने दर्शकों को काफी मनोरंजन किया था। अपने बेबाक अंदाज को लेकर एक्ट्रेस शो के दौरान खूब सुर्खियों में भी रही थीं। शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 का खिताब भी अपने नाम किया था। शिल्पा शिंदे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल शिल्पा शिंदे ने हाल ही में रिलीज हुई कॉमेडी शो गैंग ऑफ फिल्मिस्तान को छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि वह सुनील ग्रोवर के साथ काम नहीं करना चाहती और वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं उनके साथ में। गुंजन सक्सेना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जानवी कपूर स्टारर गुंजन सक्सेना तक कारीगल गर्ल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स फिल्म गुंजन सक्सेना के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर दी है। फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर केंद्र ने इंडियन एयरफोर्स की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए फिल्म के प्रसारण को रोकने की याचिका दाखिल की थी। कंगना रनौत ने की ड्रग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कंगना रनौत काफी आहत में हैं। वह सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अब इस केस में ड्रग का एंगल निकला है जिसकी एनसीबी जांच कर रही है। कंगना रनौत ने ड्रग मामला सामने आने के बाद बॉलीवुड में होने वाले ड्रग के इस्तेमाल पर खुलासा किया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आयन मुखर्जी और विकी कौशल से प्रार्थना करती हूं कि वह अपने ब्लड सैंपल को ड्रग टेस्ट के लिए दे दें। अफवाह है कि आप सभी कोकीन के आदि हैं। मैं चाहती हूं आप इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। सुशांत की भाभी ने खारिज किया रिया का दावा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भाभी नूतन सिंह ने उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के उन दावों को खारिज कर दिया है कि दिव्यंगत अभिनेता के उनके परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। लोक जनशक्ति पार्टी विधान परिषद सदस्य और सुशांत के चचेरे भाई भारतीय जनता पार्टी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू की पत्नी नूतन सिंह ने किसी का नाम लिए बगैर अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए रिया के दावों को खारिज किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैं उसका खंडन करती हूँ। परिवार से सुशांत जी का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, किसी तरीके का कोई मनमुटाव नहीं था।
फिल्म आदिपुरुष में खूंखार विलेन लंकेश का रोल निभाएंगे सैफ अली खान, बाहुबली से होगा सामना। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान तानाजी के बाद अब एक और फिल्म में खूंखार विलेन के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म आदिपुरुष के किरदारों की घोषणा हो चुकी है। फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत कर रहे हैं। इसमें प्रभास लीड रोल में है, वहीं सैफ अली खान लंकेश के रोल में दिखेंगे। करीना कपूर खान ने आदिपुरुष का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसे बहुत ही पसंद किया जा रहा है। करीना ने कैप्शन में लिखा, मिलिए इतिहास के सबसे हैंडसम विलेन से, माय मैन सैफ अली खान। भूमि पेडनेकर ने कहा, स्कूलों में हो खेती की पढ़ाई। पेडनेकर भूमि कहती हैं, आज मुझे लगता है कि काश मैंने स्कूल में खेती और फसल उगाने के बारे में और भी कुछ सीखा होता। हमें इस बात की समझ नहीं है कि पेड़ पौधे की देखभाल कैसी करनी चाहिए, खाद्य पदार्थों को किस तरह से उगाया जाना चाहिए, पौधरोपण कैसे करनी चाहिए। काफ़ी कुछ पढ़ने व जानकारी हासिल करने के बाद तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। भूमि का मानना है कि सिर्फ देश के किसानों को ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक खेती के बारे में हर किसी को जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के आने पर आपको पता चल सके। नमस्कार।